भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपनी किसी न किसी विशेषता और चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चमत्कार मंदिरों में होते हैं, इसलिए ये मंदिर विश्वविख्यात है और भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। इन मंदिरों के राज आज तक कोई नहीं जान पाया। आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। करनी माता का मंदिर। करनी माता का ये मंदिर जो बीकानेर में स्थित है बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लाखों 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करनी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, इनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं। इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव संभाल कर चलना होगा। अगर एक चूहा भी पैर के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो वहाँ पर देवी की कृपा हो गई, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। कन्याकुमारी देवी मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती कन्या रूप को पूजा जाता है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने होंगे। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकर पत्थर बन गए। कहा जाता है इसीलिए कन्याकुमारी के बीच यहाँ रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले पत्थर बहुत मिलते हैं। यहाँ पत्थर दाल और चावल के आकार के ही होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। यदि आप मंदिर दर्शन को गए हैं तो यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्योदय भी देखें। कन्याकुमारी अपने सनराइज दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। मैरीनिजम स्पॉट कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत की उच्चतम श्रृंखला मानसरोवर में ये बहुत पवित्र जगह है। पुरानी कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान है। ये धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा बेहद वेद और पुराणों में भारी पड़ी है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। इनमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इनमें कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए ये प्रमुख स्थान है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण किया गया है। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया था। श्री कृष्ण भालू का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे में परम चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मार दिया था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर बेकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्यों पर आज भी शोध जारी है। यह ऋषि मुनि और बुक्षी गहन तपस्या और अध्ययन करते थे। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कहा जाता है काल भैरव इस मंदिर के रक्षक हैं और इस शहर के भी। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माँ सती 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर में अलग अग्नि की 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित है नौ देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्यावासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप है। कहा जाता है सतयुग में माँ काली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस वैष्णव मंदिर के दर्शन के लिए आता है वो कभी खाली नहीं जाता, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।